दोस्तों ये नींबू का प्लांट है। अब इस नींबू के प्लांट पे आप देख रहे हैं कि ये घना तो हो गया है लेकिन इस पे फल नहीं आ रहे, फूल नहीं पकड़ रहा है। तो इसको फूल ना पकड़ने और फल ना पकड़ने के जो इलाज है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस नींबू को हम ज्यादा से ज्यादा फल कैसे। हमने एक देसी तरीका जो किसी भी पौधे वाले के पास मिल जाएगा दोस्तों, इसे हम कहते हैं खली, जिससे सरसों का तेल निकाला जाता है, यानी सरसों का जो बचा हुआ अवशेष जिसे हम कह सकते हैं वो ये खली है। इस खली को लोग गीला करके भिगो के डालते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ कि इस खली के साथ हम क्या करेंगे। इस खली को ऐसे ले लेंगे दोस्तों और किसी भी चीज से हमको कूट लेंगे, कूट के इसको हम पाउडर बना लेंगे दोस्तों। और जब ये पाउडर बन जाएगा इस तरीके से तो हम इसको पाउडर बना लेंगे, और पाउडर बनाने के बाद बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसको, जैसे एक तरह का चूरन होता है उस तरह से दोस्तों हम किसी भी ईंट से, हथौड़ी से या किसी भी चीज से पॉट से हम इसको कर लेंगे, और इस तरह से फिर इसको हम इसमें उठा लेते हैं। ये सारा जो हमने कूटा इसमें उठा दिया, ये एक तरह से बन गया सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, तो ये बारीक हर टुकड़ा हो गया सारा। इसको हमें भिगाने के रखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमने इस नींबू के प्लांट को इस तरह से खाली कर लिया। खाली कब तक करना है, जब तक इसके थोड़ी जड़े, ये देखिए जड़े दिख रही हैं, ये इस तरह की जड़े ना दिख रही, तब तक हम इसको ऐसे खोद लेंगे और खोदने के बाद इस मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे। प्लांट के मेन रूट्स को हमें हाथ नहीं लगाना दोस्तों, ये इस तरह से हम इसको कर लेंगे तो इसकी बारीक बारीक जो जड़े होती हैं, रूट्स जिसे हम कहते हैं, वो आपको दिखने लगेंगे। इस खली को ऐसे चारों तरफ से इसके हम घेर देंगे। ये खली जब हम घेरेंगे तो याद ध्यान रखना है कि ज्यादा कहीं नहीं इकट्ठा घेरना, चारों तरफ से हमें फैलाकर घेरना है। और इसको घेरने के बाद जब ये खली हम घेर देंगे दोस्तों, इस तरह से हमने घेर दिया, हमने खली डाल दिया, तो इसको थोड़ा सा मिट्टी को इस तरह से मिला देंगे ताकि खली अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाए। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत कम वर्मी कम्पोस्ट जो हमारी खाद होती है उसको भी हम इसमें डाल देंगे ताकि इसका एक बेहतरीन पावर इसको मिल जाए पौधे को और जल्दी जल्दी फल फूल दे दे। अब उसके बाद ये बड़ी बची मिट्टी हम इसको इस साइड से ऐसे ऐसे भर देंगे जो इसी प्लांट की हमने निकाली हुई है। बहुत से लोग होता है खाद ऊपर देते हैं, उससे क्या होता है वो ऊपर सूख जाती है, उसकी जो पानी देने के बाद जब वो वाष्प होता है तो पानी के सारे वो उड़ के बाहर चली जाती है, उसकी ताकत प्लांट में नहीं पहुंचती। पर इस तरह से जब 3-4 इंच वो नीचे रहेगी तो पूरे प्लांट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाएगी और उसकी जड़ों को ये ताकत दे पाएगी, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्द इसके प्लांट के जो फल हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। फ्लावर, नई पत्तियां, नई टहनियां सब हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस तरह से करके दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा वाटरिंग कर देंगे, बंद कर देंगे। अब आप देख रहे हैं हमने ये मिट्टी को डाल दिया, मिट्टी डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसकी वाटरिंग करनी है दोस्तों, तो वाटरिंग कर देते हैं ताकि नमी मिलने के बाद जो हमने इसमें खाद और खली डाली है वो गीली होगी, और गीली होने के बाद वो ऑब्जर्व करेगा ये प्लांट पूरा का पूरा, क्योंकि अब ये ऊपर नहीं है अंदर है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से इस प्लांट को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसे बहुत आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत जल्द फलों फूलों से लग जाएगा।